गोरखपुर जिले में रविवार को 62 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 27 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 32 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अंथाना क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 82 वर्षीय एक महिला तथा 56, 62 व 70 वर्षीय 3 पुरुषों सहित प्राइवेट चिकित्सालय में 66 वर्षीय एक पुरुष की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 58,898 हो गई है। इनमें 688 की मौत हो चुकी है, 56,562 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 1,586 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।